हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हमारी रेसिपी है वेजिटेबल उपमा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक मैंने पैन में सूजी ली है और हम इसको थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे। उसके बाद भूनने के बाद ज़्यादा डार्क नहीं करना है। मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। उसके बाद एक पैन में तेल गरम करेंगे और तेल गरम होने के बाद उसमें डाल देंगे हींग। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते से बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, एक बार आप डाल के ज़रूर ट्राई करना। कड़ी पत्ते को मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब हम इसमें राई के दाने डाल देंगे और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। आप चाहें तो राई के दाने अकेले भी डाल सकते हैं, मैंने दोनों को डाला है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, अच्छे से चटकने देंगे। अब राई के दाने और जीरा दोनों हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं और इसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज भी हमारी थोड़ी सी भुन गई है। उसके बाद हम इसमें एक टमाटो ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे, उसके थोड़ा सा ही पानी डालेंगे अभी। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में मैंने सबसे पहले डाल लाल मिर्च पाउडर और इसमें इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और हाँ, मैंने इसमें नमक भी डाला है। आप ये मसाले अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप पानी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। 5 मिनट लग जाएंगे हमारे पानी गर्म होने में। इसको अच्छे से ढक के रख दीजिए। ये देखिए हमारा पानी गर्म हो गया है। उसके बाद मैंने इसमें सूजी डाल दी है और इसको हम अच्छे से चला लेंगे। अब सूजी हमारी पानी एब्जॉर्ब कर लेगी और गाढ़ी होने लगेगी। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएं। अच्छे से इसको मिक्स करें और उसके बाद इसको थोड़ा सा ढक कर रख दें। कवर करके 1 मिनट के लिए रख दिया है और उसके बाद मैंने चेक किया है। उसके बाद हमारी सूजी अच्छे से फूल गई है। इसको बस अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए सूजी हमारी कितनी अच्छे से फूल गई है। सूजी ने पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो बस अब इसमें हम धनिया डाल देंगे। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और धनिया को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी मिक्स हो गया, इसको प्लेट में निकालेंगे। और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें कड़ी पत्ता रखा है और थोड़ा सा धनिया डाला है। और ऐसी अमेजिंग रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।